Hello everyone, welcome to Maneuver, and today in this video we will see the step by step process how to fill the form for the MBA CT 2020. So काफी important session है. इस video से आपको काफी help मिलेगा कि क्या क्या informations आपको चाहिए, जैसे आपका image, signatures, क्या size होनी चाहिए, ये सारे informations आपको मिल जाएंगे, and then you can start your form filling process. So I hope video will be helpful for you. Okay, so one more information is here, guys. As we know, notification has been out and your exam will be held on 14-15 March. So Maneuver has started a program for the MBA CT classroom program, which will start in mid of Jan 2020. So if you are going to appear this exam MBA CT 2020, so you can join for the preparation. We have a 3 center, Borivali, Dadar and Vasai. So any center which is comfortable for you, so you can call on this number regarding the inquiry about this classroom program. Okay guys, so this is the short information for you. So you can register today because there is a very limited seat. Okay guys, so for any query you can call on this number. So let's see the process how to fill the form for the MBA CET. So first thing, just open Google and type CET cell. So CET cell website, first link, just open the first link and here you will get the, so it will navigate you on this website, yahan pe leke aayega. Then you have to click on a first link. Here you can see MBA MMS CET 2020. Okay, so after click on it, so after that this page will be open. Here you can see there is a 2 information, click here for online registration and information brochure. So मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया है उसको आप डाउनलोड कर लो. सिंपली आप इस पर क्लिक करके सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन आप रीड कर सकते हो. इम्पॉर्टेंट डेट्स से लेकर के सारे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए हैं. आप पूरा 1 by 1 करके रीड कर सकते हो. जैसे यहाँ पे आप देखो तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो कि स्टार्ट हो रहा है कि 10 जैन से लेकर के 15 फेब तक ये रहने वाला है. सो आप इन बिटवीन आप कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हो. देन डेट ऑफ ऑनलाइन MBA जो एग्जाम्स है आपको 14-15 मार्च को है, जैसे मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताया. एंड देन रिजल्ट विल बी डिक्लेयर ऑन 31st मार्च. ओके, एंड सम अदर इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवेन हियर कि वट आर द रिक्वायरमेंट, वट विल बी द रिजर्वेशन प्रोसेस. सारे के सारे पूरे डिटेल्स हैं, आप प्रॉपर रीड कर लो. इस डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि इट विल टेक टू मच टाइम. सो जस्ट स्टार्ट विद द फॉर्म फिलिंग. थोड़ा सा आपको सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ्स के लिए मैं बता देता हूँ. जैसे यहाँ पे देखिए, फोटोग्राफ्स के लिए जो दिया गया है, जो आपको रेडी करना है, 200 to 230 megapixels में ये होना चाहिए, जो कि बिटवीन 20 से 50 KB के बिटवीन होना चाहिए. इट शुड नॉट मोर देन इट. एंड देन सिग्नेचर्स के लिए भी वही है, 140 से लेकर 60 पिक्सल्स में होना चाहिए. एंड देन इसकी जो साइज़ है वो 10 से 20 KB के बिटवीन होनी चाहिए. तो ये 2 things है जो इंपॉर्टेंट है, आपको रेडी करके रख लेना है फॉर्म फिलिंग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सेकेंड स्टेप आई थिंक यही है. सो लेट्स सी द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. जस्ट कम टू द वेबसाइट एंड क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन. सो ये है आपका पहला लिंक. सो यहाँ पे आप देख सकते हो IBPS इसको कंडक्ट कर रहा है. ये IBPS का ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म है. मोस्ट ऑफ द एग्जाम जो IBPS कंडक्ट करता है, यही सिंपल सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहता है ईच एग्जाम्स के लिए. तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन. अब यहाँ पे फिर से अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है जो आपको प्रॉपरली रीड करना है. हेयर आई, यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रॉपर रीड कर लिया है. सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन. 5 स्टेप है. पहला बेसिक, फोटो, सिग्नेचर, डिटेल एंड प्रीव्यू आपको देख लेना. देन पेमेंट के लिए प्रोसीड कर देना है. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ. मेरा फर्स्ट नेम, देन कन्फर्म फर्स्ट नेम, देन मिडिल नेम एंड देन लास्ट नेम एंड कन्फर्म इट. आफ्टर दैट आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, कन्फर्म मोबाइल नंबर. सो इफ़ यू हैव एनी अल्टरनेट नंबर सो यू कैन इंटर हेयर, अदरवाइज इट इज़ नॉट मैंडेटरी. आप यहाँ पे देख सकते हो जो एस्टिक मार्क है इट इज़ अ मैंडेटरी, जो एस्टिक मार्क नहीं है इट इज़ नॉन मैंडेटरी. तो आप इसको चाहो तो ब्लैंक भी छोड़ दो. अदरवाइज फिल करना है तो आपके पास कोई अल्टरनेट, आपके पेरेंट्स का नंबर हो तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो. इन केस के अगर से वो मोबाइल नंबर बंद हो गया किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी नेटवर्क इशू की वजह से, तो आपको दूसरे नंबर पर जो भी नोटिफिकेशन रहेगा वो मिल सकता है. देन आपको आपका ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करना है. उसके बाद @ यहाँ पे देखो आप सिंबल दिया है. देन आपको डोमेन सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा जीमेल अकाउंट है, याहू अकाउंट है, जो भी है. एंड देन आफ्टर दैट कन्फर्म ईमेल आईडी. सो यहाँ पे मैंने कन्फर्म फिल कर दिया है. आफ्टर दैट यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड है ये आपको फिल कर लेना है.
सो गाइज यहाँ पे मैंने अपना बेसिक डिटेल्स फिल कर दिया है, देन आई हैव टू क्लिक सेव एंड नेक्स्ट. ओके सो हियर इज अ वन पॉप अप मैसेज, आर यू श्योर द डेटा इंटर्ड इन द करेक्ट एज नो चेंज एडिट, तो क्लिक ऑन ओके इफ यू थिंक दिस ऑल द इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट. सो जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा. आप चाहो तो इसका एक फोटो स्नैप लेके भी रख लो फर्दर लॉग इन के लिए, काफ़ी इन केस अगर से आपके मोबाइल नंबर से कहीं कभी आपके मोबाइल नंबर पे भी एक मैसेज आया रहेगा, अगर से वहाँ से डिलीट हो जाता है तो एक इमेज आप इसको लेके आपके गूगल जीमेल पे कहीं पे रख लो. ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आगे के लिए, मैं रिकमेंड करूँगा. देन आफ्टर आपको आपका फोटो एंड सिग्नेचर जो मैंने बोला था आपको ये प्रॉपर क्रॉप करके साइज में रख लेना है, जिससे आपको फॉर्म फिलअप के लिए काफ़ी ईजी हो. तो मैं अपलोड कर लेता हूँ अपना फोटोग्राफ. सो यहाँ पे मेरा फोटोग्राफ सक्सेसफुली अपलोड हो गया है. देन सिग्नेचर भी सक्सेसफुली अपडेट हो गया है. देन हियर आई विल क्लिक ऑन अ नेक्स्ट. सो गाइस दिस इज द थर्ड स्टेप वेयर यू हैव टू फिल योर बेसिक डिटेल्स रिगार्डिंग योर कैटेगरी एंड विच टाइप ऑफ यू कैंडिडेट. सो बहुत ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है. इससे आपको हेल्प मिलेगा कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है. जैसे आपकी कैटेगरी क्या है, आप OBC जनरल कैटेगरी के हो, सो आप रिजर्व कैटेगरी में डू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी. सो इस तरह से सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ वन बाई वन करके आपको मिलेंगे. तो बहुत केयरफुल ये वाला पार्ट आप देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर रहना कैसे फॉर्म को फिल करना है. ओके सो आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पर्सनल डिटेल्स है, फिर आपका पिन कोड एड्रेस है, देन अप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्ज. तो ये सारे डिटेल्स है वन बाई वन करके हम देखते हैं, बहुत ही केयरफुल आप देखना है आपको. सो सबसे पहले जो है यहाँ पे सोशल कैटेगरी, जिसमें आपको OBC SC जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं अकॉर्डिंग टू द महाराष्ट्र स्टेट, जैसे ST SC है, NT है, सो ओपन है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, तो जिस भी सेक्शंस में आप आते हो अगर से यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर कैटेगरी सेलेक्ट करते हो इंस्टेड ऑफ ओपन, अगर से ओपन के अलावा और कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करते हो तो उसके रिगार्डिंग आपके पास सर्टिफिकेट होना इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको कैप राउंड के टाइम जब एडमिशन का टाइम होगा उस टाइम पे सबमिट करना होगा. सो याद रखना, सो इस चीज़ को माइंड में रख के आप वो कैटेगरी सेलेक्ट करना. तो यहाँ पे मैंने ओपन कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं ओपन कैंडिडेट हूँ. देन जैसे ही मैंने यहाँ पे ओपन कैटेगरी सेलेक्ट किया, ये सारे रेडियो बटन्स मेरे डिसेबल हो गए, क्योंकि ये जो रिजर्व कैटेगरी में आएंगे उनके लिए है. जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो OBC जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखोगे आप सारे इनेबल डिसेबल हो गए. तो जब भी आप कैटेगरी में आओगे तब जाके आपको इन सब क्वेश्चंस का आंसर देना है, अदरवाइज़ यहाँ पे मैं ओपन सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे सारे के सारे डिसेबल हो गए. उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आर यू पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% एंड एबव, तो यहाँ पे आप यस आर नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो. अगर से आप एस करते हो तो किस टाइप की डिसेबिलिटी है वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा, एंड उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना रहेगा. बट यहाँ पे मैं नो सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ऐसा आई एम नॉट ए डिसेबल कैंडिडेट. देन अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू नीड कंपनसेटरी टाइम फॉर टाइम एग्जामिनेशन, तो ये सब ऑलरेडी डिसेबल है. अगर से मैं यहाँ पे डिसेबल कैंडिडेट यस करूँगा तो ये सारे ऑप्शंस मुझे सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएंगे. आगे का क्वेश्चन देखते हैं और क्या है इंपॉर्टेंट. रिलीजियस टू बिलोंग, आप किस रिलीजियस से बिलोंग करते हो तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है. देन डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी, अगर से यस एंड नो जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हो. तो सो अकॉर्डिंग टू दैट आप उस कैटेगरी में काउंट किए जाओगे. फिर डोमेसाइल ऑफ महाराष्ट्र, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. अगर से आपके पास सर्टिफिकेट है डोमेसाइल सर्टिफिकेट तभी आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आप नो सेलेक्ट करना, नहीं तो आपको फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा रिगार्डिंग इसके. फिर डू यू बिलोंग टू द महाराष्ट्र स्टेट आउटसाइड महाराष्ट्र, तो जो भी यस एंड नो आप सेलेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे मैं आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ. देन आप देखो डू यू अंडर द नॉन क्रीमी लेयर, तो ये जो OBC के कैंडिडेट हैं उनके लिए है. अगर वो OBC के कैंडिडेट हैं और नॉन क्रीमी में आते हैं तो उनके पास नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट होना चाहिए. उसके बाद आपकी नेशनलिटी, यहाँ पे ऑटोमेटिक इंडियन फील है क्योंकि ये सिर्फ ओनली इंडियन पर्सन्स के लिए है. देन सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेंटर आप प्रीफर कर रहे हो. तो जो सबसे आपके नियर बाई हो, जो आपके लिए कम्फर्टेबल हो, वो पहली प्रायोरिटी देना है. सो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना फर्स्ट प्रायोरिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ. देन उसके बाद आपको सेकेंड प्रायोरिटी सेलेक्ट करना है. सो सेकेंड प्रायोरिटी इज़ मैंने यहाँ पे
नवी मुंबई सेलेक्ट कर लिया, एंड देन थर्ड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी इज द नासिक. तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी एंड थर्ड प्रायोरिटी. इस बेसिस पे मुझे जो सेंटर अलॉट होगा उस सेंटर पे मुझे एग्जाम देने के लिए जाना होगा. देन होम स्टेट, आपका होम स्टेट क्या है, तो यहाँ पे मैं होम स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ. उसके बाद आते हैं पर्सनल डिटेल्स पे. सो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करना है. सो मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि एक एक करके बताने में काफ़ी टाइम जाएगा. देन मैरिटियल स्टेटस है, अनमैरिड, मैरिड जो भी है आपका भरना है. फादर्स नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस है जिसका आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स भरना है. मैं भर लेता हूँ. सो यहाँ पे मैंने अपना पर्सनल डिटेल्स एंड एड्रेस फिल कर दिया. एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, आप यहाँ पे देखो नीचे दूसरा ऑप्शन भी है सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस. अदरवाइज यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे दूसरा एड्रेस भी फिल कर सकते हो. तो अगर से आपका परमानेंट एड्रेस एंड मेलिंग एड्रेस दोनों डिफरेंट हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट भरो. अगर से दोनों सेम ही हैं तो सेम एज अ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा. एंड गाइज, दिस इज द लास्ट वन, अप्लीकेशन फीस, इंटीमेशन चार्ज. सो यहाँ पे आपको आपका बैंक डिटेल्स, IFSC कोड, बैंक नेम एंड ब्रांच, ये सारे डिटेल्स फिल करना है इनकेस जब भी आपको कोई रिफंड के सिचुएशन में अगर से आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है, और इन केस अगर से दे वांट टू रिफंड यू, तो उस केस के लिए यहाँ पे आपको आपका बैंक डिटेल्स प्रॉपरली फिल कर देना है. तो यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ. तो यहाँ पे मैंने अपने बैंक डिटेल्स भी फिल कर ली है. देन आई विल वैलिडेट योर डिटेल्स. तो यहाँ पे आपको वैलिडेट करना है कि सारे इन्फॉर्मेशन प्रॉपर फिल है कि नहीं. सो यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुल हो गया है. देन आई विल क्लिक ऑन ओके, देन सेव एंड नेक्स्ट. So the next step is that you have to fill your academic qualification. So just select here what is your qualification and what is your stream, commerce and appearing or pass. So जो भी है आपका वो आप select कर सकते हो यहाँ पे. Then date of passing, अगर से आप pass हो तो आपको date of passing select करना है. अगर से आप appearing हो तो ठीक है, ये सारे part आपके disable हो जाएंगे. Okay guys, so then again validate your details. So verified successfully, then click OK and save and next. So यहाँ पे एक बार आप आपके फॉर्म को properly एक बार go through कर सकते हो कि all the information is correct or not. अगर से सारे information correct हैं तो आपको क्या करना है, I agree and this is my signature and this is my image. ये सारे checkbox click करके आपको again final submission पे करना है. याद रखना कि final submission के बाद form edit नहीं कर पाओगे आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो सो बहुत ही प्रॉपरली ये आपको ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन एक बार देख लेना है, तभी जाके आपको फाइनल सबमिशन पे करना है. देन आपका फीस पेमेंट के लिए प्रोसीड हो जाएगा. सो यहाँ पे मैं फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देता हूँ, देन क्लिक ऑन ओके. सो दिस इज द लास्ट स्टेप, पेमेंट का पार्ट है, जो कि 1000 रुपीज़ आपको ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू पे करना है. देन ये कोड आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा, W9NKW एंड सबमिट. Then do you want to submit? Yes. So अब आपको ये payment gateway पे लेके चले जाएगा जहाँ पे आपको payment करना है, जो भी mode आप use करना चाहते हो online का, online banking, net banking, credit and debit card. तो अगर से आप net banking से select कर रहे हो तो जो भी आपका particular bank है वो bank select करके आगे. So आगे payment का procedure है, जैसे आप normally online transactions करते हो वो आपको follow करना होगा. आपका form successfully submit हो जाएगा guys. So ये था पूरा complete step by step process how to fill the form for the MBA CET. So I hope कि ये आपके लिए काफ़ी helpful रहेगा. सो गाइज, इसके बाद भी अगर से आपके कुछ डाउट एंड क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू. एंड हियर आई इन्फॉर्म यू, जो हमने यहाँ पे क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट किया है MBA CET के लिए, सो द पीपल्स आर कमिंग फ्रॉम द थाने, पुणे, नागपुर, नासिक एंड नवी मुंबई, पालघर, जलगांव एंड गुजरात से पीपल्स आर कमिंग टू ज्वाइन दिस कोर्स. सो अगर से आप भी इंटरेस्टेड हो, सो गाइज, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस में आप देखोगे एक गूगल फॉर्म होगा जहाँ पे ये डिटेल्स आपको फिल करना है, आपका नाम, सिटी, लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ये डिटेल्स आप फिल कर सकते हो. तो हमारे काउंसलर आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे. अदरवाइज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप पर्टिकुलर ब्रांच, जैसे बोरीवली ब्रांच, दादर एंड वसई, किसी भी सेंटर्स के लिए आप यहाँ पे इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हो. अदरवाइज अगर आप आउट ऑफ मुंबई और महाराष्ट्र स्टूडेंट हो बट आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो गाइज यहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटी भी अवेलेबल है. आप ऑनलाइन कॉल करके हमारे कोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कर सकते, आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक यहाँ पे दिया गया है, जिसपे आप विजिट भी कर सकते हो. सो ये था टोटल इन्फॉर्मेशन आपको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग भी. अदरवाइज ये वीडियो अगर से आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लो,
एंड लाइक कर सकते हो अगर से हेल्पफुल है तो। सब्सक्राइब करने से ये बेनिफिट होगा कि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको कंटिन्यू यहाँ पे मिलते रहेंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक एंड व्हाट्सअप पे, जहाँ पे हम कंटिन्यू कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सो गाइज, कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।